नाजरीन आदाब, VSM प्राइम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अनाया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास खबरें। आइए शुरू करते हैं वाशिम जिले की एक अहम रिपोर्ट से। वाशिम से हमारे संवाददाता इकबाल बेग की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र और नेहरू युवा बहुउद्देशीय मंडल के कतुमरा ने मिलकर महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर एक विशेष स्वच्छता श्रमदान अभियान का आयोजन किया। इस अभियान का उद्देश्य समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना और युवा शक्ति को स्वच्छता की दिशा में प्रेरित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत जिला क्रीड़ाधिकारी लता गुप्ता मैडम ने की, जिन्होंने स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर धनुर्विद्या संघ के जिला सचिव अनिल थडकर, क्रीड़ाधिकारी मारुति सोनकांबले और नेहरू युवा बहुउद्देशीय मंडल के अध्यक्ष प्रदीप पट्टे बहादुर भी मौजूद थे। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान स्वच्छता ही सेवा 2024 चलाया गया, जिसमें स्वच्छता और संस्कार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस अभियान के अंतर्गत शहर के प्रमुख स्थानों जैसे जिला क्रीड़ाधिकारी कार्यालय, ST बस स्टैंड और बाबा साहेब अम्बेडकर चौक की सफाई की गयी। स्वयं सेवकों ने जगह जगह पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वच्छता के महत्व पर जागरूकता फैलाई। इस आयोजन में शहर के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संस्थाओं ने भाग लिया, जिनमें प्रोफेसर VB चंदजकर, प्रोफेसर दीपक दामोदर और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के NSS स्वयंसेवक शामिल थे। कार्यक्रम का आयोजन जिला युवा अधिकारी आशीष पंत के मार्गदर्शन में किया गया और यह स्वच्छता जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो नाजरीन, ये थी वाशिम से एक महत्वपूर्ण खबर। देखते रहिए VSM प्राइम, जहां हम आपको पहुंचाते हैं आपके शहर की हर जरूरी खबर। मैं हूं अनाया, आपसे विदा लेती हूं, फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। महात्मा गांधी की जय। वंदे मातरम।